दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और मुशीर खान को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, दिलीप ट्रॉफी में सरफराज खान के भाई मुशीर खान ने अपने बल्लेबाजी से जीत लिया करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल। बिखरती हुई टीम को संभाल कर गेंदबाजों की करी जमकर कुटाई और रच दिया इतिहास, जिसे देख कर तो पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी इस खिलाड़ी के मुरीद हो गए और उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए इस खिलाड़ी को फ्यूचर का सुपरस्टार तक बता दिया। तो आखिरकार शाहिद अफरीदी से लेकर शोएब अख्तर, यहाँ तक कि वसीम अक्रम और इंजमाम उल हक से लेकर क्या कुछ उन्होंने कहा है मुशीर की बल्लेबाजी को लेकर, किसने अब मुशीर की तुलना यंग तेंदुलकर से कर दी, ये सब कुछ हम आपको उनके बयान तो हम आपको जरूर सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, सरफराज खान और मुशीर खान में से कौन है सबसे खतरनाक बल्लेबाज, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ये तो हर किसी को पता है कि भारतीय टीम का इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी फिलहाल ब्रेक लगा हुआ है, जिसके कारण हिंदुस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट खेला जा रहा है, जिसकी शुरुआत दिलीप ट्रॉफी से हुई। आपको बता दें कि इस टूर्नामेंट में पहला मुकाबला इंडिया ए और इंडिया बी के बीच खेला गया। इस मैच में इंडिया ए ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और टीम बी को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई, जायसवाल से लेकर अभिमन्यु, यहां तक कि सरफराज खान और ऋषभ पंत भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और टीम का साथ छोड़कर पवेलियन चल दिए। टीम बी की टीम मुश्किल घड़ी में नजर आ रही थी, लेकिन एक तरफ से सरफराज खान के छोटे भाई मुशीर खान मैदान पर डटे हुए थे। ये अपनी टीम के लिए आखिरी उम्मीद थे और इन्होंने भरपूर अपनी टीम का साथ दिया और हर गेंदबाजों पर टूटकर प्रहार करते हुए टीम को संभाला। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। इनका साथ नवदीप सैनी ने भी भरपूर दिया, जिसकी बदौलत सबसे पहले मुशीर खान ने अपना अर्धशतक ठोका और फिर हर गेंदबाजों की कुटाई करते हुए अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाकर अपना शतक ठोक दिया। पहले दिन का ही खेल खत्म होने तक मुशीर खान अपनी टीम की स्थिति को संभाल चुके थे और जब दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ तो एक बार फिर मुशीर खान उसी अंदाज में मैदान पर उतरे और अपने बल्ले से तांडव मचाकर गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया। कम उम्र में मुशीर खान ने यह उपलब्धि हासिल की, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत हैरान हो गया और भारतीय खेमे में बैठे लोग मुशीर खान की बल्लेबाजी देखकर खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मुशीर खान की जबरदस्त बल्लेबाजी का नजारा दिखाते हुए अपनी टीम को उन्होंने संभाल लिया और इतना ही नहीं, अपने बल्लेबाजी से करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। भले ही मुशीर खान इस मैच में दोहरा शतक ना लगा पाए हों, लेकिन उन्होंने 181 रनों की बेमिसाल पारी खेली। पारी में उन्होंने 373 गेंदों का सामना किया, जिसमें 5 गगनचुंबी छक्के और 16 चौके जड़े। इसके बाद तो पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भी इस खिलाड़ी के मुरीद हो गए। शाहिद अफरीदी से लेकर शोएब अख्तर, यहां तक कि वसीम अकरम और इंजमाम उल हक मुशीर खान की बल्लेबाजी पर बड़ा बयान देते हुए ऐसा कुछ कह दिया कि सोशल मीडिया पर इन सभी का बयान तेजी से वायरल होने लगा और हर कोई मुशीर खान का दीवाना हो गया। तो चलिए अब हम आपको मुशीर खान पर दिए गए बड़े बड़े दिग्गजों के बयानों को सुनवाते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी ने मुशीर खान की बल्लेबाजी पर कहा कि भारत में क्रिकेट को लेकर बहुत अधिक दिलचस्पी है, इसलिए टैलेंट का खदान भारत को कहा जाता है। मुशीर खान ने अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीत लिया है। मैं खुद इस खिलाड़ी का दीवाना हो गया हूं। मैं जितनी भी तारीफ करूं मुशीर की उतनी कम है। ये युवा टैलेंट बहुत जल्द भारतीय टीम में जगह बना सकता है। वहीं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक बल्लेबाज इंजमाम उल हक ने भी मुशीर की तारीफ करते हुए कहा है, मुशीर क्या जबरदस्त खिलाड़ी है, मैं जितनी भी तारीफ करूं इस खिलाड़ी की कम है। जिस तरह से उन्होंने अपने बल्लेबाजी से सभी को अपनी तरफ खींच लिया, ये देखकर मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान हूं। मुझे इस खिलाड़ी के अंदर युवा सचिन नज़र आता है। जिस तरह से वो शॉट खेलते हैं काबिले तारीफ है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुशीर बहुत जल्द IPL भी खेल सकते हैं। मैं उनकी बल्लेबाजी का बहुत बड़ा दीवाना हो चुका हूं। वसीम अकरम ने भी कहा कि मुशीर खान ने शानदार खेल दिखाया, मैं इस मैच को देख रहा था। जिस तरह से उन्होंने अपनी टीम को संभाला काबिले तारीफ है। ये खिलाड़ी आगे चलकर टीम इंडिया में ज़रूर जगह बनाएगा। मुझे इस खिलाड़ी के अंदर सचिन की परछाई नजर आती है। इस खिलाड़ी के अंदर काफी टैलेंट छिपा हुआ है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने भी कहा कि जबरदस्त खिलाड़ी, ज़बरदस्त टैलेंट इस मुशीर खान के अंदर छिपा हुआ है। मैं जितनी भी तारीफ करूं इस खिलाड़ी की उतनी कम है। कम उम्र में बड़े से बड़े गेंदबाजों का सामना करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन मुशीर खान ने और अपनी टीम को मुश्किल घड़ी से बाहर निकाला। मेरे पास इस खिलाड़ी के लिए शब्दों की कमी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुशीर बहुत जल्द भारतीय टीम के लिए डेब्यू कर सकते हैं। इनके बड़े भाई सरफराज भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। दोनों भाई देश का नाम रोशन कर सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से मुशीर खान की बल्लेबाजी देखकर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी भी दीवाने हो गए और तारीफों के पुल बांधने। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है मुशीर खान और सरफराज खान में से कौन है दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, IPL 2025 ऑक्शन से पहले ही विराट कोहली ने कर ली है IPL जीतने की पूरी तैयारी। बदलती रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पूरी टीम, एक नहीं दो नहीं बल्कि एक साथ टीम में 4 बड़े बदलाव कर कई खिलाड़ियों का करियर किया
समाप्त और उनकी जगह पर टीम में ऐसे ऐसे धुरंधर खिलाड़ियों को किया शामिल जिसे देखकर तो बड़ी से बड़ी टीम हैरत में आ जाएगी। तो आखिरकार विराट कोहली ने किस खूंखार गेंदबाज और बल्लेबाज को अपनी टीम में किया शामिल, कैसी नजर आ रही है बेंगलुरु की नई टीम, कौन होंगे विराट के आईपीएल 2025 में सबसे बड़े हथियार, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतर कप्तान, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों जहां एक तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट से टीम इंडिया ब्रेक पर है तो दूसरी तरफ इंडिया का त्यौहार आईपीएल 2025 की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। बहुत जल्दी आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन आयोजित किया जाने वाला है, लेकिन इस ऑक्शन से पहले टीम खिलाड़ियों को रिलीज करेंगी, लिहाजा कई खिलाड़ियों की टीमें बदलने वाली हैं। अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। जैसा कि आप सभी तो जानते ही हैं कि आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स टीम चैंपियन बनी थी और टीम ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर आईपीएल की तीसरी ट्रॉफी जीतने में सफल रही। आईपीएल 2024 में कप्तान श्रेयस अय्यर की कप्तानी में कोलकाता टीम ने शानदार प्रदर्शन किया था। वहीं आईपीएल 2024 में बेंगलुरु का काफी शर्मनाक प्रदर्शन रहा, लेकिन उन्होंने हर टीम से लड़ाई लड़ी मगर एक बार फिर सीजन में उन्हें निराशा मिली। लेकिन आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर एक नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरना चाहेगी। आपको बता दें खबरों के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपने विदेशी कप्तान फाफ डु प्लेसिस को हटाकर एक बार फिर विराट कोहली को नया कप्तान घोषित कर दिया है। ये तो आप सभी को पता है कि लंबे समय तक विराट कोहली ने टीम की कप्तानी की है, लेकिन अब एक बार फिर कोहली के कंधों पर पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है। अब देखना यह होगा कि विराट इस सीजन किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरेंगे। लेकिन उससे पहले एक और चौंका देने वाली खबर सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि विराट ने कप्तान बनते ही आईपीएल के खूंखार खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए इच्छा जाहिर की है, जिसमें सबसे बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक ओपनर बल्लेबाज ट्रेविस हेड और गेंदबाज मिशेल स्टार्क का नाम शामिल है। साथ ही साथ कोहली ने हार्दिक पांड्या, रिंकू सिंह और केएल राहुल के साथ साथ मोहम्मद शमी को भी टीम में शामिल करने का पूरा प्लान बनाया है और एक नई प्लेइंग 11 भी तैयार की है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कोहली के द्वारा इन खिलाड़ियों की टीम में शामिल कर कैसी नजर आएगी बेंगलुरु की नई टीम। कप्तान विराट कोहली ने बेंगलुरु के लिए ओपनिंग करने की जिम्मेदारी रजत पाटीदार और ट्रेविस हेड के कंधों पर रख सकते हैं, क्योंकि ट्रेविस हेड ने पिछले सीजन में अपनी बल्लेबाजी से हर किसी का दिल जीता था और अकेले हैदराबाद को कई मैच जिताए थे। वही विराट कोहली नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए खुद अपने आप को रख सकते हैं। आपको बता दें कि अकेले बेंगलुरु के लिए कई मैचों को उन्होंने जिताया और टॉप स्कोरर भी रहे हैं। नंबर 4 पर विराट कोहली की कप्तानी में खेलते हुए अफ्रीका के बेहतरीन खिलाड़ी फाफ डु प्लेसिस नजर आ सकते हैं, इन्होंने भी बेंगलुरु के लिए शानदार खेल दिखाया है और हर किसी का दिल जीता है। नंबर 5 पर खेलते हुए हार्दिक पांड्या नजर आ सकते हैं, वो बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी अपना अहम योगदान दे सकते हैं। नंबर 6 पर बल्लेबाजी करने के लिए विराट कोहली ने रिंकू सिंह को टीम में शामिल कर सकते हैं, इन्होंने कोलकाता को कई मैच अकेले दम पर जिताए हैं, इसलिए विराट कोहली सबसे अधिक भरोसा रिंकू सिंह पर करते हैं और वो बेंगलुरु की टीम में रिंकू सिंह को भी शामिल कर सकते हैं। अगर हम ऑलराउंडर डिपार्टमेंट का जिक्र करें तो हार्दिक पांड्या, ग्लेन मैक्सवेल को टीम में शामिल कर सकते हैं इनका साथ देने के लिए। स्पिन डिपार्टमेंट में करण शर्मा खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं हम तेज गेंदबाजी डिपार्टमेंट का जिक्र करें तो विराट कोहली ने मोहम्मद सिराज का साथ देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज मिशेल स्टार्क और मोहम्मद शमी को टीम में रख सकते हैं, खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इस टीम के साथ विराट कोहली अपने कप्तानी में बेंगलुरु को ट्रॉफी दिला सकते हैं। तो विराट कोहली की कप्तानी में ऐसी नजर आएगी बेंगलुरु की नई प्लेइंग 11, ये सभी खिलाड़ी खेलते हुए आ सकते हैं नजर। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है विराट कोहली, रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में से कौन है दुनिया का सबसे बेहतरीन कप्तान, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप भी रोहित शर्मा को दुनिया का सबसे खतरनाक खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों रोहित नहीं अब श्रेयस अय्यर करेंगे आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस की कप्तानी। कोलकाता को चैंपियन बनाने वाले अय्यर को नीता अंबानी ने 200 करोड़ रुपए देकर की है पूरे क्रिकेट जगत की सबसे बड़ी डील। मचा दिया आईपीएल 2025 से पहले हाहाकार। तो आखिर क्यों रातों रात श्रेयस अय्यर ने छोड़ दिया कोलकाता नाइट राइडर का साथ, क्यों मुंबई में आने के लिए राजी हुए अय्यर, कैसे नीता अंबानी ने पलट दिया पूरा खेल, ये सब कुछ तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है मुंबई इंडियंस का कप्तान किसे होना चाहिए, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या या फिर श्रेयस अय्यर, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दोस्तों दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल का खुमार पूरे विश्व में भरा हुआ है। 2025 की तैयारी अभी से ही शुरू हो गई है। इस तैयारी को तेज करने के लिए बीसीसीआई और फ्रेंचाइजियों ने कई मीटिंग्स भी कर ली है। इस साल यानी कि 18 में संस्करण की शुरुआत से पहले इस बार मेगा नीलामी होगी, इसके लिए करोड़ों क्रिकेट फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें आईपीएल
आईपीएल 2024 में कई टीमों का खराब प्रदर्शन देखने को मिला। इसी लिस्ट में मुंबई इंडियंस का भी नाम शुमार है। मुंबई ने तो टॉप फोर में भी क्वालिफाई नहीं किया था। खराब परफॉर्मेंस और भी कई कारणों के चलते मुंबई इस सीजन में अपने फैंस को काफी निराश करती हुई नजर आई थी। पहले रोहित शर्मा से कप्तानी छीनी, फिर हार्दिक पांड्या को टीम में लाया, उन्हें कप्तानी दी। ये सब छोटी बड़ी गलतियां मुंबई इंडियंस को इस सीजन में भुगतनी पड़ी थी। लेकिन इस बार यानी आईपीएल 2025 में मुंबई इंडियंस एक ऐसी कोई गलती नहीं करने वाली है जिससे उसे इस सीजन भी वही गलती भुगतना पड़े। आपको बता दें, मुंबई इंडियंस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और बड़ा डिसीजन भी मुंबई इंडियंस ने ले लिया है। आपको बता दें, खबरों के मुताबिक सबसे बड़ा और चौंका देने वाला डिसीजन यह है कि हार्दिक पांड्या से कप्तानी छीनकर उन्हें टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वहीं खबर यहां तक आ रही है